बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम सब भी ठीक हैं। तो आज फिर जो मैं रेसिपी लाई हूँ वो भी बहुत ही मज़ेदार और रमज़ान के हवाले से है, और आप लोग इसको तैयार करके रखे हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो जैसा कि रेसिपी तैयार करते हैं और साथ उसका इस्तेमाल करके भी दिखाते हैं, आज भी कुछ ऐसा होने वाला है। यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप मैदा, आप चाहें तो आटा ले लें तो, या चाहें तो इसको मिक्स कर लें। तो ये देखें जी, यहाँ मेरे पास है 2 चम्मच ऑयल, ये डाल देंगे और इसको अच्छी तरह हम कर लेंगे मिक्स। 2 कप मैदा है तो 2 चम्मच ऑयल डालना है, तो इस हिसाब से आप लोग मैदा अगर ज़्यादा करेंगे तो ऑयल भी इसी तरह ज़्यादा डालेंगे। ऑयल मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक, वो टेस्ट के मुताबिक आपने शामिल करना है, मैंने 1 चम्मच डाला है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता करके हम इस आटे को गूंद लेंगे। इसके ऊपर ऑयल लगा देते हैं और इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे, बल्कि जितना ज़्यादा टाइम हो सके आप रख दें। और उसके बाद क्या करना है ये भी आपको बताएंगे जी। तो जब तक हमारा आटा सेट होता है हम लोग स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, बिल्कुल 1 चम्मच, ये देखें। तो ये हमने ले लिया है, इसको गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि हम कीमा स्टफिंग तैयार कर रहे हैं, आलू की भी इसी तरह करते हैं और कीमे की भी। तो मैं कीमे की बता देती हूँ, आलू की अगर आपने तैयार करनी है तो बिल्कुल इसी मेथड से तैयार कर लें। तो ऑयल गर्म हो रहा है, साथ ही हम इसके अंदर आधा कटा हुआ प्याज शामिल कर देंगे। प्याज नरम हो गए, इसके अंदर हरी मिर्ची शामिल कर देंगे, 2 हरी मिर्चें कटी हुई हैं, बिल्कुल आसान तरीका है। अब यहाँ पे हमारे पास है कीमा, चिकन कीमा ले लें, मटर ले लें, बीफ ले लें, जो आपको दिल करता है वो शामिल कर देते हैं। ये 1 प्याली कीमा, ये कुछ मसाले हैं जिनमें नमक है, साबुत धनिया है, जीरा है, सब कुछ मिर्च है, और आधा चम्मच हमारे पास मेथी है, ये भी डाल देंगे। स्टफिंग रेडी हो चुकी है, इसी तरह करनी है आपने। कीमा कचौरी बनाने हैं, कीमा समोसे बनाने हैं, कीमा रोल बनाने हैं, तो उसके लिए भी ऐसे ही है, और आलू की स्टफिंग भी ऐसे ही तैयार करेंगे। तो अब नेक्स्ट रेसिपी की तरफ आते हैं, इसको अब हम बेल लेते हैं। ये देखें जी कितना मज़े का आटा बन गया, बहुत सॉफ्ट है। मैंने एक बड़ी रोटी बेल ली है, ना ज़्यादा मोटी ना पतली, जिस तरह हम रोटी बनाते हैं ना बिल्कुल उसी तरह। तो एक कटर ले लेना है इस साइज़ का, अगर आपके पास तवा बड़ा है, फ्राई पैन बड़ा है तो बड़ा ले लें, यानी आप रोटी बड़ी बना लें, सिंपल बात है। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो ये हमारे पास बन चुकी हैं काफ़ी सारी रोटियां छोटी छोटी, तो ये अलग कर लेंगे, ये भी ज़ाया नहीं जाएगा, इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, ये इसी तरह पड़ा रहेगा, इनके ऊपर लगाएंगे ऑयल। चलिए जी, ये हो गया, इस तरह का एक छाना ले लेना है आपने। उसके अंदर हमने मैदा डाल लिया है, वो इस तरह डस्ट कर देंगे इसके ऊपर। चुप नहीं कर सकते। अब इस तरह इसको एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे। अब
इसको बेल लेंगे। इस तरह का एक पैन ले लेंगे, उसको हमने ग्रीस कुछ भी नहीं करना, बस उसके ऊपर हम ये गर्म करने के बाद रोटी डाल देंगे। तो इसको इसके ऊपर अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए, ये इस तरह अलग हो जाएगा। एक एक परत ऊपर वाली जो पक गई है वो हम अलग कर लेंगे। माशाल्लाह कितनी पतली परत है, इसको हम अलग रखते जाएंगे ऐसे। ये देखिए, ये देखिए जी, तो ये देखें सारी परतें अलग हो गई हैं। किस तरह ये आपको मैं दिखा देती हूँ कितनी बारीक है। ये देखिए इस तरह करके आसानी से बन जाएंगी आपके समोसा पट्टी या रोल पट्टी जो भी कह लें, बहुत इजीली बन जाती हैं। अब इनकी कटिंग करनी है, तो चाहे तो आप जैसे समोसे बाज़ार वाले बनाते हैं दरमियान में से दो हिस्सा कर दें, अगर आप लॉन्ग वाली पट्टी चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं आराम से। तो ये मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा दूँ इसकी ये कितनी बारीक बनी है, और अलग भी आसानी से हो गई हैं। ये देखें, तो इनको मैं कटिंग कर लेती हूँ और ये ठंडी भी हो गई है आराम से, कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह हम बाकी आटे की भी तैयार कर लेंगे। इसको दरमियान में से ऐसे कट कर लेंगे, हमने पट्टी नहीं बनानी है, हम सीधा ऐसे ही रखेंगे लेकिन इसको कट करके रखेंगे ताकि ये हमारा ज़ाया भी ना हो। ये देखें, जी तो स्टफिंग हमने रेडी कर ली थी। यहाँ से हम लेंगे अपनी समोसा पट्टी, इनमें से एक ले लेंगे और उससे समोसा रेडी करेंगे जिस तरह बाज़ार वाले कटते हैं। अगर आप चाहें तो इसको उसी तरह भी कट कर सकते हैं, ये आराम से कट हो जाएगी ऐसे करके ना। इसको हर तरफ से हमने मिलाना है। ये देखें, यहाँ मैंने ये इसकी लई बना के रखी हुई है। ये देखिए, इसको हम ऐसे कर देंगे, ये आराम से इसको चिपक जाता है। ये देखिए, इस तरह भी बहुत आसान होता है। अब इसके अंदर हम स्टफिंग कर लेंगे। जितनी आपका दिल करता है आप उतनी स्टफिंग कर लें, और इसको हम इसी तरह फ्रीज़ भी कर सकते हैं क्योंकि ये मसाला हमने कुक कर लिया है, तो इसको हम आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। ये देखिए चिपक गया, जहाँ जहाँ से आपको लग रहा है कि ये ओपन है आपने वहाँ पे ये माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त बाज़ार की तरह का समोसा रेडी है जिस तरह आप बेकरी से लेते हैं। तो ये घर में बनाई गई समोसा पट्टी का कमाल है, रख सकते हैं। और इसी तरह सारे समोसे बना के हम रख लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम समोसा पट्टी ऐसे रखें, उसको भी इसी तरह बैग में रख लें, वो आराम से इस तरह आ जाएगी। ये देखें, समोसे के हिसाब से हमने इसमें फिलिंग की है। ये देखें, तो ये है समोसा पट्टी, इसको भी हम इसके अंदर रख देंगे। जीप लगा देंगे। तो आज की रेसिपी हमारी मुकम्मल हुई। अब हम आपको एक समोसा फ्राई करके दिखाते हैं कि वो किस तरह होता है। ऑयल मैंने गरम कर लिया है, तो उसके अंदर ये कीमा भरे समोसे डालते हैं।
कि हमारे समोसे जल्दी से रेडी हो जाते हैं। इसको कच्चे आटा जो होता है समोसों का उसकी तरह ज़्यादा देर पकाना भी नहीं पड़ता क्योंकि ये ऑलरेडी इसकी शीट पकी हुई है। तो आप इसका कलर देखें कितना प्यारा है। इसी तरह ट्राई करें इस रेसिपी को। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए, अपने घर वालों का रखिए। अल्लाह हाफिज़। इस साइड से इसकी साइड चेंज करते हैं।